Point is, colonization and evangelization both go hand in hand. Is the literature in Latin America. Univeshwad or dharma parivartan, they go hand in hand. That much is very clear. So when academics is baat ko Latin America or Africa ke sandarbh mein maanne ke liye taiyar hai, jab ye Bharat mein hum ye kehte hain, how does it become a communal issue? Is the simple question that I'm asking. Okay? So if I had to give a political response, it could be reduced as a political rhetoric. So I decided to give an academic response. So maine yahan pe cite kiya पोप के ही डॉक्यूमेंट से जहां पे वो स्पेन और पोर्टुगीज को कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया को बांट दिया है दोनों के बीच में, बिकॉज द ओरिजिनल कॉलोनाइजर्स वेयर स्पैनिश एंड पोर्टुगीज. मद्रास को कॉन्कर किया था और मद्रास को बनाया था पोर्टुगीज. अगर आप आज जाएंगे वहां पे एक देयर इज अ रोड कॉल्ड द सेंट थॉमस माउंट रोड. व्हाट इज द सेंट थॉमस माउंट रोड? इट इज नेम्ड आफ्टर सेंट थॉमस बेसिलिका. व्हाट इज द सेंट थॉमस बेसिलिका? इट वाज अ बेसिलिका कंस्ट्रक्टेड बाय द पोर्टुगीज after the destruction of Kapalishwar Mandir. Okay? Skand Puran mein Kapalishwar Mandir ka location mentioned hai ki ye, let's say, sea ke kinare. Unhone isko toda hai, iska pura matlab, there is a historical evidence for it. So the temple along with the ling had to be transferred to the other side of the shore. So if you go to the new Kapalishwar Mandir in Mailapur, wahan pe bahar aapko ek board dikhai dega, jo kahega ki original mandir kahan pe hai, kisne toda, sab kuch aapko dikhega. Okay, so this is what the Portuguese did. सो पेपल फरमान है, जैसे मुगल फरमान होते थे, पोप के फरमान है जहाँ पे ये कह रहे हैं रिटन, इट्स कॉल्ड इंटरसेटेरा, जहाँ पे ये कह रहे हैं स्पैनियर्ड्स को और पोर्चुगीज को, आप दोनों एक दूसरे से मन लगिए, मैं आपके लिए दुनिया का बंटवारा करके दे रहा हूँ, यहाँ से आपका, वहाँ से आपका, और वहाँ पे इंडिया का जिक्र है, राइट? तो जो ये कह रहे हैं दैट इंडिया था ही नहीं ब्रिटिश के आने से पहले, तो जब स्पैनियर्ड्स और पोर्चुगीज आ रहे थे तो ये इंडिया कहाँ से आ गया? दिस इज एटलीस्ट अ फ्यू सेंचुरीज और मे बी सेंचुरी बिफोर द ब्रिटिश केम. सो व्हाट इज दिस एंटिटी कॉल्ड इंडिया इफ इट नेवर एग्जिस्टेड? सो इट आंसर्स मल्टीपल क्वेश्चंस. इंडिया का या भारत का अपना एक अस्तित्व था ब्रिटिशर्स के आने से पहले, और दूसरा उपनिवेशवाद और धर्म परिवर्तन हमेशा एक साथ साथ ही चलते.